बहुत ही लज्जी। अब 6 बजने वाले हैं, वी लोग बनाने अपने चैनल के लिए। आप देखते हैं पास आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, आज मैं आया हूँ ईद की शॉपिंग करने और नए नए कपड़े ख़रीदने, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी चॉइस क्या है सूटों की और मैं कौन कौन से कलर पसंद करता हूँ। और अब मैं देखता हूँ आपको, मैं दिखाऊँगा भी कि मुझे कौन से सूट पसंद हैं। चलें अब करते हैं ईद की शॉपिंग और नए नए सूट ख़रीदते हैं बाज़ार से। ये देखें नाज़रीन, मैं इस शॉप से सूट ख़रीदने आया हूँ। और ये माजिद भाई हैं जो कि मुझे सूट दिला रहे हैं अच्छा सा कपड़ा देखकर। ये माजिद भाई मेरे लिए सूट पसंद कर रहे हैं, जो कि मैंने इन्हें कहा कि वो सूट मुझे दिलवा दें जो मैं सर्दी गर्मी दोनों में पहन सकूं। ये दुकान का नाम है जो कि फैसलाबाद घंटाघर में वाकया है, रेल बाजार के बाहर के अंदर की तरफ बाजार है ये। जैसे कह रहे देख सकते हैं, हम एक लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे हमने सूट ख़रीदने हैं, वो आने वाला है, फिर मैं सूट खरीदूंगा उससे कलर पसंद करूंगा। मेरे साथ माजिद भाई भी हैं जो कि मेरे लिए सूट सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको कपड़े का बहुत नॉलेज है क्योंकि उनकी खुद की दुकान है कपड़े की उकाड़े में, इसलिए मैं उनको लेकर आया हूँ कि मुझे आपकी बड़ी आप शॉपिंग करा है। मुझे सिर्फ अपने कपड़े का कोई पता नहीं है कैसा कपड़ा, सर्दियों का कपड़ा कौन सा है, गर्मियों का कपड़ा कौन सा है, इसलिए आज मैं खुद माजिद भाई के साथ आया हूँ उनके साथ खरीदारी के लिए। अब वो मेरे लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं, कलर कौन कौन से पसंद किए हैं इन्होंने मेरे लिए। तो गाइस अभी सूटों की कलर चॉइस करने का वक्त चल रहा है अभी हमारे पास। ये सूट और एक ये कलर है, एक बाकी दो सूट आगे से लेते हैं। हाय गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने सूटों की शॉपिंग की ईद के लिए, अब मैं वो दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर पसंद करे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अब मैं आपको एक एक सूट दिखाता हूँ बारी बारी। तो नाज़रीन देखें, एक ये कलर मैंने पसंद किया है, एक ये नाज़रीन मैंने अपनी मिसिस के लिए पसंद किया है। नाज़रीन एक ये कलर पसंद किया है मैंने, एक ये ब्लैक सूट है कॉटन का और एक ये वाला सूट है नाज़रीन, और एक ये वाला सूट है। तो है गाइस, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शॉपिंग सूटों की? बहुत अच्छी, उम्मीद है कि आपको लगी होगी। शॉपिंग करते करते ना मेरा दिल सा घबराने लगा, इतने रश के अंदर सोचा कि आज गोलगप्पे खाऊं, बहुत मज़ेदार है यहाँ के। सुना है कि आज मैं भी कचहरी बाज़ार आया हूँ गोलगप्पे खाने, देखते हैं यहाँ पर कितने टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं। ये भाईजान है जो कि ये थाना फैक्ट्री की तरफ से आते हैं, नोली पुल की तरफ से, ये गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार बेचते हैं यहाँ पर। अब इनसे हम खाते हैं और पता करते हैं कितने गोलगप्पे मज़ेदार हैं इनके। ये देखें नाज़रीन, मज़े मज़ेदार गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं चटपटे। और ये खट्टा है, बहुत ही लजीज और खट्टा मीठा।
जो कि ये दुकान मौजूद है, कचहरी बाजार चौक है बाजार का, और ये वकीलों वाली गली है जहाँ पर ये भाईजान है जो उनसे बहुत ही लजीज गोलगप्पे बेचते हैं। अभी थोड़ी देर में दुकानें बंद होंगी, फिर इनकी तरफ रश बढ़ जाएगा, इससे पहले कि मैं खा लूँ बामे रश में मुझे वारी ना मिले। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि मैं टेस्ट करने लगा हूँ, देखा क्या जायका है इसका। बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़ेदार है, आप भी जरूर टेस्ट कीजिएगा। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ चुका है और लोगों की आमद रफ्त शुरू हो चुकी है गोलगप्पे खाने के लिए, कि अब 6 बजने वाले हैं, मार्केटें बंद होने वाली हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं दर्जी के पास जा रहा था सूट देने सिलवाने के लिए, ईद के लिए, जो कि मैंने बाज़ार से खरीदे थे, और रास्ते में आते थे हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया है, इसका क्लच टूट गया है, वो हम डलवाने लगे हैं, और तार ख़राब हो गई थी वो भी हम डलवाने लगे हैं, उसके बाद तार के साथ एक और चीज़ है उसका भी नुकसान हो गया, वो भी हम डलवाने लगे हैं। आए हम सिर्फ क्लच डलवाने थे, अब हमको पूरा सेट डलवाना पड़ा है, हमारा खर्चा बढ़ा दिया इस भाईजान ने। अब ये इसके बाद हम अब जाएँगे दर्जी के पास सूट देने, फिर आपसे वहाँ मुलाकात होगी, मीडिया से देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी का काम मुकम्मल हो चुका है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं और हम जा रहे हैं दर्जी के पास सूट देने। नाजी इस वक्त मैं जा रहा हूँ रास्ते पर, वो मैं दर्जी की दुकान पर जा रहा हूँ और जाते मैंने वहाँ पे सूट देने हैं क्योंकि मुझे चाहिए, 5 मिनट का भुगतान होगा आने वाला है, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कराची जाने की, कराची अगर भी लोग बनाने की, इसलिए उसकी तैयारी में लगा पड़ा हूँ मैं अभी तक। कल को दर्जी को मैंने सूट दिए थे, जैसा कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जा रहा हूँ दर्जी की दुकान पर उनको सूट देने। पहले मैंने उनको सूट दे चुका था उनको, मैं उन्होंने मुझे वापस कह रहे भाईजान हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने उनसे माजरत की, सर प्लीज़ मैंने जाना है कच्ची वी लोग बनाने अपने चैनल के लिए, तो काइंडली मेरे सूट सी दें। उन्होंने कहा चले ठीक है सर, आप वापस ले आए, 5 रमजान उन्होंने मुझे टाइम दिया है वापसी सूटों का, ताकि मैं अपना सूट सारी तैयारी करके अपना कराची जाकर मैं वी लोग बनाऊँ, हैदराबाद कराची जाऊँगा मैं इंशाल्लाह, वहाँ जाके मैं वी लोग बनाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि वहाँ आगे क्या क्या चीज़ें हैं। मिलते हैं आगे जाके। अब एक और अंडरपास आ चुका है जो कि अब्दुल्लापुर पर है, ये अब्दुल्लापुर का अंडरपास। बड़े ही तेजी के साथ हम अब्दुल्लापुर अंडरपास से बाहर निकल चुके हैं। वो हेलो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं दर्जी के पास आया हूँ सूट देने। अब मैं ये अंकल हैं जो कि बहुत ही अच्छे सूट सीते हैं, इनके भी हर साल मैं इनसे सिलवाता हूँ सूट, बहुत ही इनकी अच्छी सिलाई है, पैसे मुनासिब लेते हैं। आप भी कभी आए तो फैसलाबाद अब्दुल्लापुर इनकी शॉप है, गली के अंदर है इनकी शॉप, और बहुत ही अच्छे सूट सीते हैं ये, डिजाइनिंग वाले भी सीते हैं, हर किस्म का सूट ये जेंट्स सीते हैं सूट। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि सूट मैं दे चुका हूँ सीने के लिए, अब इंशाल्लाह मुझे मिलेंगे 5 मई रोजे को, फिर मैं जाऊँगा कराची। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।